नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। सिटी फॉरेस्ट में युवती के साथ दरिंदगी व गैंग रेप का प्रयास किया गया। आधा दर्जन अभियुक्तों के घर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। गौरतलब है कि मामले में 11 अभियुक्तों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। प्रशासन ने सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की और बाद में अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाया। नगर पालिका की जाँच के बाद घरों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। विगत 18 अक्टूबर को ये युवती का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसके साथ दरिंदगी व गैंगरेप की प्रयास की जघन्य घटना की जा रही थी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 11 अभियुक्तों को जेल भेजा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने घटना में शामिल आधा दर्जन अभियुक्तों के घर बुलडोजर चलवाया। अपराधियों पर बुलडोजर के प्रहार से प्रशासन के दिया अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का एक कड़ा संदेश। शहर कोतवाली क्षेत्र की सिटी फॉरेस्ट का ये पूरा मामला है। जनपद हमीरपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट एरिया में हाल में यह घटना हुई थी, जिसमें एक महिला और एक युवक के साथ उस क्षेत्र के कुछ लोगों ने अभद्रता की थी। उक्त के संबंध में थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत हेतु भेज दिया गया है और इस प्रकरण में इन आरोपियों के अवैध निर्माण को चिन्हित कराकर नगर पालिका और राजस्व की टीम के द्वारा उनके अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की आज कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है, जिसके अंतर्गत इनकी अन्य संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। हमीरपुर से बीरू गुप्ता की रिपोर्ट।